तो मैं राहुल मानकर स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल अलीबाबा में। और दोस्तों आज हम जानने वाले हैं व्हाट इज मीन बाय कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट अगर मैं कहता हूं तो आप कहेंगे जो स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है, तो बिल्कुल दोस्तों गलत है। ये गलत जो है वो आपके दिमाग में बैठ गया है कि कैटलिस्ट यानी अगर किसी को भी पूछो तो कोई भी कहेगा कि कैटलिस्ट यानी क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। तो ये बिल्कुल जो है वो गलत है। तो क्या है सही ये भी जानेंगे। तो कैटलिस्ट जो है सबसे पहले जो है वो हम डेफिनेशन को जो है वो समझ लेते हैं, बाद में जो है इसके टाइप्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैटलिस्ट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है या घटाता है, क्या होता है, तो आपका जो कंफ्यूजन है वो भी यहां पे दूर हो जाएगा। तो दोस्तों कैटलिस्ट की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द सब्सटेंस इन हूज प्रेजेंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन चेंजेस। तो यहां पे जो कैटलिस्ट होता है, बाद में हम होमोजेनियस हेटरोजेनियस पॉजिटिव या नेगेटिव कैटलिस्ट के बारे में भी देखेंगे, वहां पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहां पे क्या लिखा है, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन चेंजेस। द रेट ऑफ केमिकल यानी वो जो है इसका रेट जो है वो केमिकल रिएक्शन का रेट फास्ट नहीं करता, यानी बहुत फास्टली नहीं करता। यहां पे केमिकल रिएक्शन जो का जो रेट है वो चेंज करता है। अब रेट ऑफ रिएक्शन चेंज करता है इसका मतलब है कि रिएक्शन फास्ट भी हो सकती है या फिर स्लो भी हो सकती है। तो कैटलिस्ट यानी ये नहीं है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है, कैटलिस्ट यानी हम उसे भी कैटलिस्ट कहते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज भी जो है वो कैटलिस्ट कर सकता है। तो यहां पे हमें ये बात जो है वो समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो कैटलिस्ट क्या करता है, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन चेंजेस, फास्ट भी नहीं करता या स्लो नहीं करता, तो चेंज करता है यानी वो फास्ट भी करता है और कम भी करता है। तो ये कहना सिर्फ कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस आर फास्ट, तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो यहां पे ये बात जो है वो हमें ध्यान में रखना है। द सब्सटेंस इन हिज प्रेजेंस यानी जिसके प्रेजेंस में द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन चेंजेस। तो केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है, रेट यानी हम कहते हैं उसकी जो गति होती है वो एक तो फास्ट हो सकती है या फिर कम हो सकती है। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन चेंजेस विदाउट कॉजिंग एनी केमिकल चेंजेस टू इट। तो उसमें यानी खुद में जो कैटलिस्ट है उसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता, यानी यहां पे मैंने ब्रैकेट में लिखा है विदाउट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, यानी वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट होता है पर खुद में जो है वो चेंज नहीं होता, इज कॉल्ड एज अ कैटलिस्ट। तो जो रिएक्शन में होता है पर रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता और वैसे के वैसे जो प्रोडक्ट में जो है वो बाहर आता है, तो वो क्या करता है, रिएक्शन में एक केमिकल चेंज जो है वो करता है, तो उसे हम जो है वो कैटलिस्ट कहते हैं। मान के चलो दोस्तों अब यहां पे एक एक्टिवेशन एनर्जी नाम का कॉन्सेप्ट होता है, वो भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। तो यहां पे कंपाउंड है, मैंने लिया है KClO3, ट्वाइस KClO3, यह पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है। अब जैसे ही दोस्तों इस पोटेशियम क्लोरेट को हम अगर हीट करेंगे 630 डिग्री सेल्सियस पर, अगर मैंने हीट किया तो यहां पे ट्वाइस KCl प्लस O2 जो है वो फॉर्म हुआ, ठीक है, यानी KCl और O2 जो है वो यहां पे फॉर्म होता है। तो यहां पे इसे डिसोसिएट होने के लिए 630 डिग्री सेल्सियस की जो है वो जरूरत होती है। पर अगर दोस्तों हम यहां पे कैटलिस्ट यूज करें तो ये हो गई दोस्तों एक्टिवेशन एनर्जी, यानी इसे एक्टिव होने के लिए जो है जब हमने कैटलिस्ट यूज नहीं किया, विदाउट कैटलिस्ट जो है, तो इसे कितनी एनर्जी लगी, कितनी लगी, 630 डिग्री सेल्सियस जो है यहां पे लगा, ठीक है। तो ये हो गई इसके एक्टिवेशन एनर्जी, से एक्टिवेट होने के लिए मान के चलो कि 630 डिग्री सेल्सियस की है वो टेम्परेचर लगा। पर जैसे दोस्तों हमने यहां पे कैटलिस्ट ऐड किया है मैग्नीज डाइऑक्साइड, यानी इस रिएक्शन में अगर हम मैग्नीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट, ये क्या है, ये कैटलिस्ट है, ठीक है। जैसे ही हम यहां पे कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो यहां पे जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये लो हो जाती है, तो ये जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस पे ही जो है वो रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और फास्ट जो है हो जाएगी। तो जैसे मैंने यहां पे मैग्नीज डाइऑक्साइड ऐड किया तो ये रिएक्शन 150 या से 300 डिग्री सेल्सियस में कंप्लीट हुई, वही जो है प्रोडक्ट मिले और फिर जो है वो मैग्नीज जो है वो डाइऑक्साइड जो है बाहर निकला। तो जो इस रिएक्टेंट में हमने डाला था वैसे के वैसे ही यहां पे निकला, तो इसमें रिएक्शन में पार्ट लिया ही नहीं, सिर्फ क्या किया इसने, रिएक्शन का रेट जो है वो बढ़ाया विदाउट एनी केमिकल चेंजेस टू इट। इसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं हुआ, तो उस चीज को दोस्तों हम जो है वो कैटलिस्ट कहते हैं। तो यहां पे इसने क्या किया, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ा दिया, यानी एक्टिवेशन एनर्जी भी लोअर की। अगर मान के चलिए कि इसको 10 मिनट अगर लगते थे इस रिएक्शन को, तो ये रिएक्शन जो है वो 2 मिनट में ही जो है वो हो जाएगी।
तो उसी दोस्तों हम कैटलिस्ट जो है वो कहते हैं। तो ये आपको एक्टिवेशन एनर्जी भी समझ में आ गई होगी कि एक्टिवेशन अगर हम कैटलिस्ट यूज नहीं करते तो एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा लगती है, यानी 630 डिग्री वहीं पे जो है वो कैटलिस्ट यूज करेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, या एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे डिक्रीज होगी। अब देखते हैं दोस्तों पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड निगेटिव कैटलिस्ट क्या होते हैं। तो जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है, जो पॉजिटिव कैटलिस्ट हम कहते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट जो कहते हैं, तो वो यही जो हमने एग्जांपल देखा, जो रिएक्शन का रेट जो है वो इंक्रीज करते हैं, फास्ट करते हैं, उसे हम जो है वो पॉजिटिव कैटलिस्ट जो है वो कहते हैं। अगर दोस्तों मैं यहां पे एग्जांपल, यहां पे एक एग्जांपल लेता हूं मैं पॉजिटिव का, तो यहां पे एक काम करते हैं, टॉइस H2O2 यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड हमने लिया, और इस पे अगर मैंने ये मैग्नीज जो अपना डाइऑक्साइड था वो ऐड किया, तो यहां पे फॉर्म होगा, ठीक है। अब अगर दोस्तों यहां पे मैंने ये यूज नहीं किया तो ये रिएक्शन होगी, पर इस रिएक्शन को मान के चले कि 10 मिनट लगेंगे। अगर मैंने ये अगर कैटलिस्ट यहां पे यूज किया तो यही रिएक्शन जो है वो 2 मिनट में हो जाएंगी। तो इसका जो स्पीड है दोस्तों, ये स्पीड जो है इस रिएक्शन का जो बढ़ गया है, तो यही होता है दोस्तों, स्पीड बढ़ता है तो हम जो है जब कैटलिस्ट यूज करते हैं, जो रिएक्शन का स्पीड जब बढ़ाता है तो इसे हम पॉजिटिव कैटालिसिस होते हैं, एक्चुअली इसे हम पॉजिटिव कैटालिसिस कहते हैं। इस पॉजिटिव कैटालिसिस में हम जो कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं तो उसे हम जो फिर जो है वो कैटलिस्ट कहते हैं, जो क्या कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर रहा है, और इसको हम कहेंगे पॉजिटिव कैटालिसिस। यानी ये यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो केमिकल चेंज जो है वो इंक्रीज कर रहा है। अगर हम निगेटिव कैटालिसिस की अगर बात करें, निगेटिव कैटालिसिस की, तो यहां पे जो यह कैटलिस्ट हम जो यूज करेंगे वो निगेटिव इफेक्ट डालेगा, यानी निगेटिव इफेक्ट डालेगा, यानी यहां पे अगर मैं ये रिएक्शन लिख रहा हूं SO3 प्लस O2, ठीक है, ये जान दो, यहां पे दोस्तों ये फॉर्म होगा ट्वाइस Na2SO4 प्लस, हम यहां पे अल्कोहल जो है, टाइम पे अल्कोहल जो है वो बाहर वैसे के वैसे निकल जाएगा। तो निगेटिव कैटालिसिस में मान के चलो कि ये रिएक्शन अगर 10 मिनट में होती, अगर हम कैटलिस्ट यूज नहीं करते तो, यानी अल्कोहल हमने यूज ही नहीं किया, तो इस रिएक्शन को, ये जो रिएक्शन हो रही है यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है, तो इस रिएक्शन को 10 मिनट लगते थे, पर अल्कोहल जो है वो कैटलिस्ट है, यहाँ पे जैसे हमने अल्कोहल यूज किया तो इस रिएक्शन को जो है तो 20 मिनट लगे दोस्तों। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन जो था वो क्या था, जो 10 फास्ट नहीं हुआ, यहां पे क्या हुआ, स्लो हुआ। अगर हम पॉजिटिव कैटालिसिस के बारे में देखें तो यहां पे जो है वो 10 मिनट के जो है वो 2 मिनट हो गए, यानी ये फास्ट हो गया, तो ये 10 मिनट के जो है वो 20 मिनट हो गए, यानी स्लो हो गया। तो यहां पे अल्कोहल क्या है, एज अ कैटालिस्ट है, हमने इसे क्या कहा, निगेटिव कैटालिसिस। तो जहां पे हम ऐसा कैटालिसिस जो है, कैटालिस्ट जो है वो यूज करते हैं जिससे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो डाउन होता है, तो उसे हम निगेटिव कैटालिसिस कहते हैं। दोस्तों आपको निगेटिव और पॉजिटिव कैटालिसिस समझ में आया होगा, जब जो कैटालिस्ट हम यूज करते हैं वो रिएक्शन को स्लो डाउन करता है तो हम उसे निगेटिव कैटालिसिस कहते हैं, और जब दोस्तों हम जो कैटालिस्ट यूज कर रहे हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है तो हम उसे पॉजिटिव कैटालिसिस जो है वो कहते हैं। तो कैटालिस्ट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता भी है और रेट ऑफ रिएक्शन घटाता भी है। हम यहां पे रिएक्शन की हमें कोई लेना देना नहीं, हमें इतना समझना है कि कैटलिस्ट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन घटाता भी है और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता भी है, और इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन चेंजेस। तो डेफिनेशन अब हम लिखेंगे, तो इसमें हम लिखेंगे द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन चेंजेस। तो क्या होता है, कैटलिस्ट क्या करता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसमें केमिकल रिएक्शन होता है, उसका रेट जो है वो चेंज करता है, वो घटा भी सकता है और बढ़ा भी जो है वो सकता है। एक और चीज हम यहां पे देख लेते हैं, होमोजीनियस कैटालिसिस। अब होमोजीनियस कैटालिसिस हम किसे कहते हैं दोस्तों, जब जो रिएक्टर होते हैं वो एक फेज में होते हैं और कैटालिस्ट भी वही फेज में होता है, ये सॉलिड सॉलिड है और वो भी सॉलिड में है, ये लिक्विड लिक्विड में है, रिएक्टेंट की बात कर रहा हूं। रिएक्टेंट अगर गैस गैस फेज में है और कैटालिस्ट भी अगर गैस फेज में है तो हम उसे होमोजीनियस कैटालिसिस जो है वो कहते हैं। एग्जाम्पल जो है वो मैं यहां पे लिख लेता हूं, टॉइस SO2 प्लस O2, यहां पे ये जो है ये गैस फेज में है, ऑक्सीजन भी गैस फेज में है, और यहां पे हमने कैटलिस्ट जो यूज किया वो NO2 किया, वो भी जो है वो गैस फेज में था, और यहां पे SO3 जो है वो फॉर्म हुआ और कैटलिस्ट भी यहां पे फॉर्म होगा। तो यहां पे जो कैटलिस्ट हम यूज कर रहे हैं वो भी गैस फेज में है,
रिएक्टर जो है वो भी दोनों के दोनों गैस फेज में है। तो इस टाइम जो है ये जो कैटलिस्ट है इसे, इस जो पूरी रिएक्शन है इसे हम होमोजेनियस कैटलिसिस कहते हैं, और इसे होमोजेनियस कैटलिस्ट जो है वो कहा जाएगा। और हेटरोजेनियस कैटलिस्ट यानी क्या होता है, अब हेटरोजेनियस कैटालिसिस की अगर हम बात करें तो हेटरोजेनियस कैटालिसिस यानी वो होता है जहां पे रिएक्टेंट दूसरे फेज में होते हैं और कैटालिस्ट जो है वो दूसरे फेज में होता है। तो यहां पे मैं एग्जांपल लिखूंगा N2, ये गैस फेज में है, प्लस 3H2 ये भी गैस फेज में है, और यहां पे हमने कैटलिस्ट यूज किया Fe यानी सॉलिड, और यहां पे बना हमारा 2NH3 ये भी गैस फेज में है। तो रिएक्टेंट यहां पे गैस गैस फेज में है और ये जो कैटलिस्ट है ये सॉलिड स्टेट में है, तो ये डिफरेंट है, इसीलिए हमने इसे हेटरोजेनियस कैटालिसिस कहा। तो इस फेज में दोस्तों अगर हम हैं तो इसे हम हेटरोजेनियस कैटालिस्ट इस रिएक्शन में कहते हैं। तो ये थी कुछ बातें दोस्तों कैटालिस्ट के बारे में। तो ये आपका जो दिमाग में बैठा होगा शायद कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है, तो दोस्तों रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज भी करता है और डिक्रीज भी जो है वो कैटालिस्ट करता है। तो डेफिनेशन जो है वो अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगी। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे एक अमेजोन की लिंक मिलेगी, वहां से अगर आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो मुझे मेरी गुरु दक्षिणा जो है मिल जाएगी वीडियो देखने के।